Some people might think that the acceptance of June the 3rd plan was a mistake on the part of the Muslim League. I would like to tell them that the consequences of any other alternative would have been too disastrous to imagine. The systematic massacre of defenseless and innocent people put to shame even the most dearest atrocities committed by the worst iron stone to history. We thank Providence for giving us courage and faith to fight these forces of evil. If we gave our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their design. But at the same time, do not make life of the situation very grave and dangerous situation which is facing you. Do not be overwhelmed by the enormity of the dark. You are made of sterling material and are such a sinner. Why should you also not succeed like many others, like our own forefathers? You are a nation whose history is replete with people of wonderful grit, character and heroism. Live up to your tradition and add to another chapter of glory. All I require of you now is that every one of us whom this message reaches must bow to himself and be prepared that we fight this war if necessary. Building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the biggest nations whose ideal is peace within and peace without. Pakistan! Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty on that faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan, 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 Pakistan. ये वो तकरीर है जिसमें आप ये देखेंगे कि कायद हमारे कितने माशाअल्लाह एक मोहब्बत और प्यार से एक शिद्दत के साथ एक मुसलमान थे। कायद ने यहाँ शहादत की बात की है कि शहीद कभी मरता नहीं, कुरान की बात की है कि कुरान को जब तक मुसलमान थाम के अपने हाथ में रखेंगे उस वक्त तक उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, पाकिस्तान की बात की है, यकीन करेंगे कि ये अल्फाज कायदे आजम के, और फिर उनकी आवाज का जलाल देखिए, यकीन देखिए, यानी जो कॉन्फिडेंस था वो इस काबिल थे वाकई कि कायदे आजम कहलाते, किसी वजह से अल्लाह ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी। कायदे आजम को मालूम है कि चंद महीनों में इनका इंतकाल हो जाएगा।
कायदे आजम को टीबी की आखिरी स्टेज है। पाकिस्तान बनने के बाद जो जख्मी तकलीफ में शोहदा और यतीम और बेवाओं के साथ लोग पाकिस्तान पहुंचे उनसे खिताब किया जा रहा है और ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। यहां पर कायदे आजम फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, बुलवार्क ऑफ इस्लाम का नाम लिया। यहां पर कायदे आजम फरमा रहे हैं कि अगर हमने कुरान पाक को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा तो क्या वजह है कि हम अपने फोर फादर्स की तरह, अपने आबाओ अजदाद की तरह वो उरूज ना हासिल कर सकें जो उन्होंने हासिल किया था। कायदे आजम यहां पर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह के फजल से दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती और अल्लाह के फजल से जो कुर्बानियां आपने दी हैं अभी मजीद कुर्बानियां हमें और देनी है। लेकिन मुसलमान मौत से घबराता नहीं और मुसलमान जब शहादत का रास्ता इख्तियार करता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या आप यकीन करेंगे? ये अल्फाज कायदे आजम के इस्तकबाल पर। आप उस दरवेश की आवाज सुनो, उसका जलाल सुनो। हकीकत में ये अल्लाह के शेरों में से एक शेर थे जिनको अल्लाह ताला ने, अब सिर्फ इस तकरीर की बुनियाद पर आप इसका वजूद देखो, जो जलाल था, जो इसके अंदर दुख था, जो तकलीफ थी, उम्मत की तकलीफ महसूस करते थे अपने दिल में, लेकिन अपनी मिल्लत को पैगाम दे रहे थे कि हौसले से काम लेना, बड़ी कुर्बानी दी है हमने पाकिस्तान बनाते, लेकिन अभी और कुर्बानी देनी है, इसको बचाते और इसको तामीर करते और इसको उरूज पर लेकर जाते। ये कायदे आजम शहादत की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, इस्लाम के किले की बात कर रहे हैं, फिर लोग नाउज़ुबिल्लाह ताना देते हैं कि उसे किले थे। अल्लाह के शेरों में से एक शेर, अल्लाह के वली और दरवेश और फकीर थे, हकीकत में इस काबिल थे कि कायदे आजम माशाल्लाह उनकी आवाज़ सुन के इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आवाज़ सुन के इंसान के दिल में, आंखों में आंसू और कल्ब में जज्बा पैदा होता है। देखा नहीं आखिर में जब उन्होंने पाकिस्तान कहा तो पूरी मिल्लत ने किस तरह जिंदाबाद का नारा लगाया। ये कायदे आजम थे हमारे, माशाल्लाह ये हमारे प्यारे कायद का, ये उनकी याद थी, ये 14 अगस्त का तोहफा था आपके लिए, इस उम्मत के लिए, इस मिल्लत के लिए। कायदे आजम को जो हक था उनसे मोहब्बत और प्यार करने का, सच्ची बात है कि हमने वो हक अदा नहीं किया।